पेरिस से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 4000 से भी ज्यादा जगहों पर आग लगा दी गई, विद्रोह की ये तस्वीरें लगातार हम फ्रांस से देख रहे हैं। जरा ये भी हमें बता दीजिए कि फ्रांस की सरकार इस सिचुएशन पर कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, सब कुछ पुलिस के भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि 45,000 पुलिस तो रोक नहीं पा रही इस हिंसा को। जी अगर ये जैसे कि फ्रांस में एक लीडरशिप है इमैनुअल मैक्रों की, ऑफ कोर्स जो प्रेसिडेंट है, उसके बाद एक राइट विंग लीडरशिप भी है जिसमें मैरीन लपेन और जेमोर आते हैं। उन्होंने बोला है कि फ्रांस में इमीडिएटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जानी चाहिए क्योंकि ये लोग इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि ये सिचुएशन और ज्यादा इस समय बुरी तरीके से बदतर होती गई है, क्योंकि जो उम्र है लोगों की जो ये कर रहे हैं, मोस्टली जो अरेस्ट हुए हैं जो माइनॉरिटी बैकग्राउंड के हैं यहाँ पे, उनकी उम्र है मिनिमम 13 साल जो अरेस्ट हुए हैं, एवरेज एज 17 साल, और यहाँ पे स्कूल हॉलीडेज हो चुके थे। इसीलिए मैक्रोन का जो ग्लू स्टेटमेंट, जिसको आप हम लोग बोल रहे थे पहले कि वो वीडियो गेम को ब्लेम कर रहे थे और बैड पेरेंटिंग को, वो एक तरीके से यही बता भी रहे थे कि ये मोस्टली जो, लेकिन हिमांशु इन लोगों को भड़का कौन रहा है? जिस मुल्क में ये रहते हैं उसी को जलाने के लिए कौन हवा दे रहा है इन लोगों को, ये बड़ा सवाल है। ये पता क्यों नहीं लगाया जा पाया अब तक? देखिए ये फ्रांस के, वैसे हम लोग को पता है इनके डीएनए में है कि इनको प्रोटेस्ट करना है, बट ये प्रोटेस्ट नहीं रह गया, ये सबको पता है एक तरीके से पूरा वायलेंट लॉलेसनेस हो चुकी है। ये बेसिकली ये एंगर है बेसिकली इनका, इनका कहना ये है कि जितने भी पुलिस वाले, पुलिस स्पेसिफिकली, लड़ाई पुलिस के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, सिस्टम में क्रिटिसिज्म के खिलाफ लड़ाई है। इनका कहना ये है कि पुलिस जो है सिर्फ ब्लैक और अरब्स को यहाँ पे टारगेट करती है, क्योंकि 2013 में ऐसे रिकॉर्ड 13 इंसिडेंसेस हुए थे जबकि व्हीकल पे एक गोली मारी गई थी और 13 लोग मरे थे, और वो सारे के 13 के 13 लोग माइनॉरिटीज के थे। तो इनको लग रहा है कि ये माइनॉरिटी टारगेट हो रही है, और 2023 में ये तीसरी ऐसी हादसा हुआ है जिसमें एक माइनॉरिटी या एक अरब को, या फिर आप बोल सकते हैं जिसको टारगेट किया गया है। तो ये पूरी तरीके से एंगर है उनका, और ऑफ कोर्स ये प्रोटेस्ट था, लेकिन हमारे साथ रामकृपाल जी भी बने हुए हैं। रामकृपाल जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या घुसपैठी आएंगे तो उसी देश में आग लगाएंगे जहां पर वो रहते हैं? इस सवाल के साथ सर लौट रही हूं, माफ कीजिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद। पेरिस में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर है, पेरिस में अब पुलिस एक्शन के मोड में आ गई है, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रामकृपाल जी, इन तस्वीरों को देख करके और जो मेरा सवाल था, क्या कहेंगे आप? देखिए अंजलि जी, एक जो आपका मेन सवाल है कि जो कुछ फ्रांस में हो रहा है, क्या उससे भारत को भी सबक लेना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए? देखिए अभी आपके संवाददाता ने जो एक चीज बताई है, फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है तात्कालिक उसका एक बहाना है कि वो एक नाबालिग, आप कह लीजिए उसको, जो नाहिल को मारा गया था, लेकिन हकीकत यह है कि आप देखिए इस घटना से पहले भी फ्रांस में, फ्रांस हमेशा सुर्खियों में रहा है किसी न किसी चीज को लेकर के, वहां पर एक जिसको कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को लेकर के वो सुर्खियों में हमेशा रहा है, विरोध होता रहा है तमाम तरह की चीजें। तो ये जो घटना इतनी लंबी चल रही है उसमें नाहिल का एक हो सकता है तात्कालिक कारण, लेकिन ये अंदर छुपा हुआ है जैसा आपके संवाददाता ने कहा। देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, यही फ्रांस है जहां पे इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी 1789 में रूसों ने नारा दिया था, बिल्कुल, यानी समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप और अमेरिका में आज भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप से एक जिसको कहते हैं ना रेसिस्ट फीलिंग रहती है, काले गोरे का एक भेद होता है जी। वो जिस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं उसका एक स्वाभाविक रूप होता है। एग्जैक्टली, और सर ये हम देखते भी कैसे वहां पर इलेक्शन के दौरान ये बड़ा मुद्दा भी बनता हुआ नजर आता है, जो काले गोरे का भेद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। खैर हम इस पर ही बात करेंगे कि 4 दिन के बाद भी क्यों नहीं कंट्रोल हो रही हिंसा, लेकिन एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। देखिए 17 साल का नाहिल जो कि मारा गया, जिसकी मौत हुई हिंसा के बीच, अब नाहिल की मां का बड़ा बयान सामने आया है, हत्या के लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, नाहिल की मां की तरफ से बयान दिया गया है। 17 साल का नाबालिग, सभी पुलिस वाले दोषी नहीं है, ये नाहिल की मां बोल रही है, सिर्फ एक शख्स है जो कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार है। फ्रांस के शहरों में नहीं कम हो रहा है तनाव।
तो देखिए कितनी अजीब बात है कि जिस परिवार को सबसे ज्यादा दुख में सबसे ज्यादा आक्रोशित होना चाहिए वो परिवार और नाहेल की मां ये कह रही है कि सिर्फ एक पुलिस वाला दोषी है जिसने गोली चलाई, ना कि सारे पुलिस वाले। और ऐसे में जो लोग इस वक्त सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, पूरे शहर को जला रहे हैं, उनके पीछे कौन है ये जानने की जरूरत है। कैसे नाहेल के केस को ट्विस्ट देकर फ्रांस में बसे तमाम शरणार्थियों से जोड़ा गया और लोगों को भड़काया गया, ये भी आप जान लीजिए। ये बहुत अहम सवाल है। नाहेल केस में शरणार्थी ट्विस्ट दिया गया क्या? 17 साल के लड़के नाहेल को पेरिस में गोली मार दी जाती है क्योंकि ट्रैफिक नियमों का उसने उल्लंघन किया था, ऐसा आरोप था। पुलिसकर्मी ने गोली मारी, फ्रांस की ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर ही उसे गोली मारी, वो वहीं पर ढेर हो गया। पुलिस के खिलाफ गुस्से के बीच लोग श्रद्धांजलि देने जमा हुए। पूरी टाइमलाइन समझिए। बिल्कुल, तो और इसके बाद और क्या हुआ, कैसे ये जो मामला है वो और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। पुलिस के खिलाफ गुस्से के बीच लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए। ये दो तस्वीरें भी आप जरा गौर करिए, जब 27 तारीख का वो वीडियो है जहां पर नाहेल को पुलिसकर्मी गोली मार रहा, यही बात नाहेल की मां बोल रही है कि एक शख्स जिम्मेदार है। अंजलि, आपके पास बड़ी खबर। बिल्कुल, और इस बीच देखिए एक और अपडेट है। मार्सिलिस सिटी की बात करें तो यहाँ पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं, यहाँ की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मार्सिलिस सिटी का हाल देखिए, यहाँ पर लगातार विद्रोह की तस्वीरें सामने यहाँ से आ रही है, आग लगाई जा रही है, शहर इस वक्त विरोध की तस्वीरों से पटा पड़ा है। तो मार्सले शहर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मार्सले की एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यहां पर हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मार्सले में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। और यहां की तस्वीर जरा आप देखिए, किस तरह से सुरक्षा कर्मी तो हैं सड़कों पर लेकिन उनसे स्थिति काबू में नहीं आ पा रही। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मार्सले की। और समीर चौगावकर सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या लग रहा है, जो सवाल इससे मैंने टीज भी किया था कि 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, रूट कॉज क्या है, कौन इसमें शामिल हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां छन छन कर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 2005 की पुनरावृत्ति फ्रांस में इस बार हुई है, पेरिस के अंदर, पूरे देश के अंदर। मुझे लग रहा है लंबे समय से जो शरणार्थी के नाम पे जो अवैध घुसपैठिया फ्रांस के अंदर आकर जम गए थे, बेसिकली ये सब लोग इकट्ठा होकर उत्पात कर रहे हैं और पूरे देश को एक बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो अभी कहना चाहता हूँ कि TMC के प्रवक्ता हमारे साथ बादल जी हैं, वह लगातार मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन वह यह बताना है कि स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि NRC का विरोध उन्हीं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती है। बेसिकली जो बंगाल में जो सरकार है, पूरी बांग्लादेश के जो घुसपैठिए घुसे हुए उसके दम पर बनी हुई सरकार है, ममता बनर्जी तो पूरे घुसपैठियों की मुख्यमंत्री है। ठीक है, समीर सर, क्योंकि अब देवनाथ जी जवाब देना चाहेंगे, बताइए। समीर जी, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, जो लोग हिंसा फैलाते हैं, जो लोग आतंक फैलाते हैं, जो लोग दंगा करते हैं, ये लोग ना किसी देश का अच्छे नागरिक या गुड सिटीजन होता है, ना खुद का धर्म मानते हैं। ये लोग जो भी देश में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी देश हो, वो पूरी तरह एक्शन लेना चाहिए। और बात है NRC का, मैं आसाम में 2-3 बार गया, डिटेंशन कैंप में भी गया, आसाम में NRC को लेके क्या हुआ, हजारों को लोग 19 लाख के ऊपर NRC में आए और 54 को लोग आत्महत्या कर ले। ये बताइए सरकार सबक लेगी जो हो रहा है फ्रांस में, हाँ या ना में, कम से कम इससे आप थोड़ा संभलेंगे या फिर नहीं? मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, मैं तो बोल दिया, जो लोग दंगा फैलते, जो लोग आतंक फैलते, जो लोग हिंसा फैलते किसी भी देश में, जो भी देश, मेरा देश में हो, दूसरे देश में हो, ये लोग ना खुद गुड सिटीजन होता है, ना अच्छे नागरिक होता है, ना खुद का धर्म मानते हैं। ठीक है देवनाथ जी, तो जरा आप यही बता दीजिए कि फ्रांस की इस घटना को देखते हुए जहां शरणार्थी मुसीबत बन गए, भारत में किस तरीके की सख्त नीति अपनानी चाहिए? पश्चिम बंगाल में तो आपकी सरकार भी है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, मैडम,
ये जो सीए एनआरसी और घुसपैठियों का बात, शरणार्थियों का बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं। नहीं पर ये जरूरी है ना, ये तो पूछ रही हूँ मैं, ये जरूरी है कि नहीं है? विधानसभा में बिल पास करके वो कुछ एक्शन ले सकता है, लेकिन एक्शन खुद लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जी एनआरसी जरूरी है कि नहीं? जो हुआ आसाम में, बंगाल में एनआरसी लागू होना चाहिए कि नहीं? बादल जी, देवनाथ जी, दिक्कत ये आप सवाल समझते नहीं और फिर जवाब भी नहीं देते, कहीं और चले जाते हैं, आपका डायरेक्शन कहीं और है। पहले आप सवाल का जवाब देने पर आइए, फिर आपसे बात करते हैं। लौट रहे आपके पास। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई, आ रही हूँ आपके पास। देखिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रिफ्यूजियों की वजह से संकट और बढ़ता जा रहा है फ्रांस में। फ्रांस की नीति पर भी अब सवाल उठने लगे। रिफ्यूजियों के साथ भेदभाव का रंग दिया गया इस पूरे विद्रोह को। देखिए नाहेल की हत्या को कहा गया रिफ्यूजियों से बर्बरता, जबकि नाहेल की माँ ये कह रही है कि नाहेल की हत्या के लिए सिर्फ एक पुलिसकर्मी दोषी है, सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराना गलत है। तो देखिए फ्रांस ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्हें मानवीयता के आधार पर शरण दी जा रही है वही उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएंगे जो आज वहां पर हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आइए बिग वॉल के जरिए समझते हैं कि रोहिंग्या को शक्ल में जो भारत के सामने कैसे एक बड़ा जो रिफ्यूजी संकट है वो आन खड़ा हुआ है। ये बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, ये तस्वीर तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त हालात है भारत में रोहिंग्या। UNHCR के आंकड़ों में क्या है, 16,000 की संख्या में जो आंकड़े हैं वो UNHCR के बता रहे रोहिंग्या के, और वास्तविक संख्या जो अनुमानित है, ये तो आंकड़े ऑफिशियल, वास्तविक संख्या अनुमानित है 40,000 की। यही वजह है कि आज संकट की बात की जा रही, धर्म संकट यहां पर क्या है। आप देखिए अपने मूल स्थान म्यांमार में 2017 में करीब 10 लाख रोहिंग्या थे, म्यांमार सिर्फ 40,000 रोहिंग्या को अपना नागरिक मानता है, यह एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। और क्या है, म्यांमार में जातियों से भागकर बांग्लादेश और भारत आए ये रोहिंग्या, अब रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही देश में कई रोहिंग्या के पास UNHCR का रिफ्यूजी आई कार्ड है, किसी भी रिफ्यूजी को जबरन उसके मूल स्थान पर भेजने के खिलाफ है जो UN कहता है, और साथ ही खास तौर से ऐसी जगहों पर भेजने के खिलाफ है जहां पर उन्हें संकट हो, जहां पर खतरा हो, यानी कि अगर एक बार से म्यांमार से बात की जाती है। हालांकि भारत UN रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, यहां पर भी यह चीज आप देखिए, यह बड़ी गौर करने की बात है। तो देखिए यह रोहिंग्या का जो जिक्र हमने किया है, जयशंकर जी मेरा सवाल आपसे है, यह आंकड़े क्या बतला रहे? फ्रांस का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यह आंकड़े भी कभी भी एक बड़े संकट के तौर पर उभर सकते हैं जो रोहिंग्या की हमने बात की। नहीं, करोना संकट सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही पूछा कि क्या यह साबित हो गया है कि फ्रांस की जो हिंसा और उपद्रव है उसमें शरणार्थियों का ही हाथ है। अभी तक तो ये साफ हुआ नहीं है, अभी तक फ्रांस की सरकार, जो जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, बता रहे हैं कि ज्यादातर जो गिरफ्तार हुए हैं वो माइनॉरिटी से ही हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये भारतीय मीडिया में जितना जिस ढंग से प्रचारित हो रहा है दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार एजेंसियां हैं या जो खबरें हैं उसमें कहीं नहीं आ रहा है। फ्रांस की सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये हम सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ वहाँ के शरणार्थी है, घुसपैठी बन गए, उन्होंने ऐसा किया है। वहाँ नस्ली हिंसा जिस ढंग से हो रही है, नस्लवाद जिस तरह से हावी हुआ, जैसे हमारे बड़े भाई रामकृपाल जी भी बता रहे थे, अल्जीरिया का जो रहा होगा वहाँ यहाँ का रह रहा था, उसके लड़के को जो नाबालिग लड़का है उसकी हत्या की, जिस ढंग से हत्या की गई उसका कोई ठीक है। जयशंकर जी, आपने जो सवाल पूछा कि शरणार्थी है या फिर नहीं, हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर अंजलि आपके पास। जी हाँ, तो सर आपको ये भी बता दें कि पूरी वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही है और हमारे जो सहयोगी हिमांशु वो लगातार वहां से जानकारी भी दे रहे हैं। लौटेंगे इस खबर पर। देखिए एक और बड़ी खबर, माउंट पिलर में पुलिस का हुआ है लाठी चार्ज, क्योंकि यहां पर भी प्रदर्शन लगातार हो रहा था, लूट मचाने वालों को पुलिस ने पीटा है, दुकानों को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन लिया गया है। तो और देखिए एक और बड़ी खबर, पेरिस में कई गाड़ियों को आके हवाले किया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस का यह हाल है, हर तरफ यहां पर आगजनी नजर आ रही है। आप देखिए एक बार फिर से पेरिस की तस्वीरें जहां पर इन गाड़ियों में लगी आग को बुझाने का काम तो जारी है, लेकिन जो फ्रांस में आग लगी हुई है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है।
देखिए एक और बड़ी अपडेट इस बीच आई है फ्रांस हिंसा पर वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया सोशल मीडिया को ठहराया जिम्मेदार सोशल मीडिया के जरिए भड़काई गई है हिंसा इंटरनेट और बच्चों की गलत परवरिश को भी इस विरोध का जिम्मेदार कहा और आइए अब देख लेते हैं कि फ्रांस में जो हिंसा हो रही है वहां पर जो हालात है वो क्या है और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने और क्या कहा इस हिंसा को लेकर क्या बता रहे देखिए देश में पिछले 3 दंगों में एक जैसा ट्रेंड देखा गया है सभी दंगों में काफी कम उम्र वाले शामिल हो इस बार भी देखा जा रहा है कि टीनेजर्स ज्यादा है कम उम्र वाले आसानी से बहकावे में आ जाते हैं बच्चों के 3 दुश्मन है वीडियो गेम्स सोशल मीडिया खराब परवरिश बोल कौन रहा है ये सारी बातें बोली जा रही है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से बच्चों पर इंटरनेट का बेहद बुरा असर पड़ रहा है इमैनुअल मैक्रों ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया से अफवाह फैलाना बहुत आसान हो जाता है इसी के बाद ये तमाम जो टीनेजर्स है वो सड़कों पर उतर के उपद्रव मचा रहे वीडियो गेम्स दिमाग में जहर भर रहे वीडियो गेम को इसके पीछे वजह बताया जा रहा है माँ बाप अपने बच्चों को घर पर रखे ये बात भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोली है अंजलि बिल्कुल तो हिंसा पर ये मैक्रों की थ्योरी है रामकृपाल सर ये जो यंगस्टर सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं कि कई इमारतों को आग लगा दिया गया कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया क्या वहां के राष्ट्रपति ये जो 3 वजह गिना रहे हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की वजह से खराब परवरिश की वजह से और वीडियो गेम की वजह से ये थ्योरी आपको समझ में आ रही है कुछ राष्ट्रपति को ऐसा बयान देना चाहिए देखिए अंजलि जी सवाल इस बात का है कि अगर राष्ट्रपति को बीमारी का पता था तो इलाज क्यों नहीं बिल्कुल सही बात है पहली बात यह देखिए भाई जो बेसिक चीज है अगर इसमें आप देखें तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं एक तो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन किताब से निकल गया है संविधान से निकल गया लेकिन वास्तविक लाइफ में है और दूसरी चीज क्या हो रही है जैसे कर्नल कज़ाफी ने बहुत पहले कहा था कि यूरोप एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा उसके लिए हमें आतंकवादियों की जरूरत नहीं है उन्होंने और फैक्ट भी है ये तो एक अगर आप देखिए तो एक मैं बल्कि शरणार्थी नहीं कहूंगा शरणार्थियों से उतना खतरा नहीं है शरणार्थियों से हिंदुस्तान में भी खतरा नहीं है घुसपैठियों से खतरा है जिनको काउंट नहीं किया गया है आज 140 करोड़ हम कहते हैं पता नहीं हमारी रियल आबादी क्या होगी अगर घुसपैठी उसमें काउंटेड नहीं है समीर सर तो एक बस एक लाइन और तो जो मैनुअल जी ये कह रहे हैं बेसिकली इसके है यूरोप हमेशा उदारवाद रहा जब भारत कहता रहा कि हिंसा चाहे किसी भी तरह की हो उसको विरोध कीजिए तब यही यूरोप जो है बहुत बड़ा मानवाधिकार की बात करता रहा आज जब अपने ऊपर आई है तो सोशल मीडिया गड़बड़ है फलाना मीडिया बिल्कुल अब इसी पर समीर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इतना सब कुछ हो रहा है पूरा फ्रांस जला जा रहा है लेकिन फिर भी जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो जानबूझकर आपको लग रहा है कि आंख में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी आप जवाब दे दीजिए इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल मुझे लग रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जो बयान दिया बहुत गैर जिम्मेदारपूर्ण है वह पूरी तरह से असफल रहे बाकी मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि देखिए शरणार्थी में और घुसपैठी में बहुत ज्यादा फर्क होता है तिब्बत से जो लोग भारत में आए आप उन्हें शरणार्थी कहते हैं वो शरणार्थी है लेकिन बांग्लादेश से जो घुसपैठिए घुसे हैं रोहिंग्या वो शरणार्थी नहीं है वो तो सब घुसपैठी है और ये बांग्लादेश एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है बेसिकली घुसपैठियों को देश के अंदर लाने का आप देखिए बिहार से भी लगातार घुसपैठिए अंदर भारत के अंदर आ रहे हैं और भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है मुझे लग रहा है NRC लाना चाहिए और खासतौर से ममता बनर्जी जिस संवेदनशील राज्य की मुख्यमंत्री जो जिसकी बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है उसे तो पहले NRC की मांग करना चाहिए इसीलिए देश में सीए और NRC की जरूरत थी जिसका कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया उन्हीं में से एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं लौटेंगे आपके पास देखिए एक और बड़ी खबर है प्रदर्शनकारियों ने अब तक 1,350 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है 234 इमारतों में आग लगा दी गई देखिए कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है रात में करीब 1,000 और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और आइए अब आपको एक बार फिर से पूरी डिटेल देते हैं कि आखिर 27 जून को हुआ क्या था जिसकी वजह से आज फ्रांस जल उठा है और आज के हालात क्या ये पूरी टाइमलाइन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हालात खराब हुए नाहेल पर जल रहा है कैसे फ्रांस तारीख थी 27 जून की शहर था नेंतेरे फ्रांस का 2 पुलिस अफसरों ने एक कार को रोका इसके बाद क्या हुआ ड्राइवर नाहेल के साथ पुलिस की बहस हुई नाहेल खुद
जो 17 साल का है, उस वो गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने नाहेल के सिर में गोली मारी। नाहेल ने कार तेजी से दौड़ाई जो कि आगे जाकर क्रैश हो गई, हादसे का शिकार हुई और नाहेल की इसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरा जो वाकया है वो 27 जून का है जब घटना हुई है। नाहेल की उम्र कितनी है? सिर्फ 17 साल थी। जो नाबालिग था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यह पुलिस की तरफ से कहा गया। पुलिस ने गाड़ी रोककर खिड़की से गोली मारी है, जो जानकारी आ रही है सामने और वीडियो भी है सामने। 38 साल का पुलिस अफसर अब सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, पुलिस अफसर को हिरासत में लिया गया है। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद कैसे पूरा जो फ्रांस है वो जल उठा है। हालांकि जो नाहेल की मां बोल रही है कि सिर्फ एक पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार है। जयशंकर जी, मैं यहां पर थोड़ा फ्रांस के संदर्भ में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो आग है, क्योंकि पेरिस से दंगे शुरू हुए, अलग अलग शहरों में फैल रहे, डर इस बात का भी जताया जा रहा है कि यह अब फ्रांस से निकलकर दूसरे देशों में भी फैल सकते? नहीं करुणा शंकर, ये खबर तो आ रही है, आज मैं कहीं देखा एक साल बेल्जियम में भी इस तरह के कुछ उपद्रव की घटनाएं हुई हैं। देखिए, सीधी सी बात, मेरा ये मानना है कि नाहेल की हत्या हुई नस्ली आधार पे हुई, लेकिन उसका विरोध शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए था। वहाँ के लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन धरना जो भी करना हो वो करना चाहिए था। हिंसा कतई नाजायज है, चाहे वो कहीं पर भी हो। मैंने शुरू में भी कहा था, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे फ्रांस में हो। अभी तक मणिपुर के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि 2 महीने से लगातार हो रही है हिंसा की घटनाएं, 136 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फ्रांस में अभी कोई मारा नहीं गया, एक भी आदमी मरा नहीं है। वहाँ संपत्ति को नुकसान हुआ है, कार गाड़ियां जलाई गई हैं, हिंसा, इमारतें जलाई गई हैं, हिंसा हो रही है। किसी भी तरीके से विरोध का रास्ता नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारत में किसी तरीके का कोई मामला हो या फिर फ्रांस में ही क्यों ना हो। लौट रहे सर, देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फ्रांस में काबू में नहीं आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। पेरिस की बात करें और साथ ही दूसरे अन्य शहरों की, तो वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा और आगजनी के साथ लूटपाट भी जारी है। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं फ्रांस के अलग अलग शहरों से हिंसा और आगजनी की। और देखिए ताजा वाकया क्या हुआ, एक बड़ी खबर आ रही है कि फ्रांस में चीनी यात्रियों की जो बस थी उस पर हमला हो गया है। हमले के बाद बस ने अपना रूट बदला, स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हुए हैं अब चीनी यात्री। तो वहां पर जो विदेशी पर्यटक हैं, जो विदेशी हैं, उनको भी किस तरह से बड़ा खतरा, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बस के अंदर से इस वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड किया गया और फिर कैसे जैसे हमला हुआ इसके बाद इस बस का रूट डाइवर्ट किया गया स्विट्जरलैंड की तरफ। तो देखिए बहुत बड़ी ये चर्चा थी, विषय फ्रांस में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के, और भारत को क्या सबक लेना चाहिए फ्रांस की इस पूरी घटना को देखते हुए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, समय इतना ही था। और हिमांशु आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक बहुत ही छोटे से। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद कोहराम, सड़कें जलमग्न हुई, तेज धार में फंसी कार, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, चारों तरफ पानी ही पानी, स्कूल आते वक्त शिक्षक की कार पानी में फंस गई। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, गुजरात के डांग से वाटरफॉल में बढ़ा पानी का बहाव। गुजरात के जूनागढ़ में विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हुआ, भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हुआ, लोगों के घरों में पानी घुसा। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद मुसीबत, कई जगहों पर घुटने तक पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बीच फंसे 3 पर्यटक, गांव वालों की मदद से लोगों को बचाया गया। गुजरात के मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी है, तापी में बरसात से जलमग्न हुए कई घर। गुजरात के कच्छ में बारिश के बाद हाहाकार मचा, जेसीबी की मदद से नदी पार करने के लिए मजबूर है लोग। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भरा, जगह जगह जल जमाव। गुजरात के मोरबी में खतरे के निशान पर पहुंचा जलस्तर, भारी बारिश के बाद 20 गांव अलर्ट पर। गुजरात के अरावली में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। गुजरात के अरावली में धनसुरा में झरने में बह गया युवक, युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद हालात खराब, वलसाड़ अंडरपास में पानी भर गया।
महाराष्ट्र में 7 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की संभावना। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में लगातार बारिश ने बढ़ा दी है लोगों की मुसीबत। लगा काफी लंबा ट्रैफिक जाम। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में कई जिलों में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में बारिश बनी आफत। पालघर में तेज बारिश के बाद घर की दीवार गिरी। मुंबई के कांदिवली में दर्दनाक हादसा हो गया। बाथरूम की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। एमपी के कटनी में रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकी। रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी भरने का काम जारी। भारी बारिश की वजह से ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक गई। पहली बारिश में पटना में हाल बेहाल। पटना के कई इलाकों में जलभराव। कई इलाकों में घुटने तक पानी। बिहार के वैशाली में अस्पताल में घुसा पानी। सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पानी घुस गया। पानी भरने से मरीजों को परेशानी। असम में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए। फसल बर्बाद। किसानों को भारी नुकसान। असम में बाढ़ से उत्तर गुवाहाटी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 11 लोगों की मौत। करीब 40,000 लोग प्रभावित। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद दरकने लगे पहाड़। गंगोत्री हाईवे पर लगा काफी लंबा जाम। चमोली के छिनका में हाईवे पर लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। हाईवे बंद होने से तीर्थ यात्री परेशान। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश ने मचाया कोहराम। सड़कें हुई जलमग्न। तेज धार में फंसी कार। 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब। चारों तरफ पानी ही पानी। स्कूल आते वक्त शिक्षक की कार पानी में फंस गई। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी। गुजरात के डांग से वाटरफॉल में बढ़ा पानी का बहाव। गुजरात के जूनागढ़ में विलिंगडन डैम हुआ ओवरफ्लो। भारी बारिश के बाद डैम हुआ ओवरफ्लो। लोगों के घरों में पानी घुस गया। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद मुसीबत। कई जगहों पर घुटने तक पानी भर गया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बीच फंसे 3 पर्यटक। गांव वालों की मदद से लोगों को बचाया गया। कच्छ में बारिश के बाद हाहाकार। जेसीबी की मदद से नदी पार करने के लिए लोग मजबूर। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद हालात खराब हुए। वलसाड़ अंडरपास में पानी भर गया। सूरत के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भरा पानी। जगह जगह जल जमाव। गुजरात के मोरबी में खतरे के निशान पर पहुंचा जलस्तर। भारी बारिश के बाद 20 गांव अलर्ट मोड पर। गुजरात के अरावली में बाढ़ का कहर। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। अरावली में धनसुरा के झरने में बहा युवक। युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र में 7 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की संभावना। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में बारिश से हाल बेहाल। अंधेरी, सबवे बंद। पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश। मुंबई में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगा लंबा ट्रैफिक जाम। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में कई जिलों में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में बारिश बनी आफत। पालघर में तेज बारिश से गिरी घर की दीवार। मुंबई के कांदिवली में दर्दनाक हादसा। बाथरूम की छत गिरने से एक शख्स की मौत। एमपी के कटनी में रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकी। रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी भरने का काम जारी। भारी बारिश की वजह से ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकी। पहली बारिश में पटना में हाल बेहाल। पटना के कई इलाकों में जलजमाव। कई इलाकों घुटने तक पानी। बिहार के वैशाली में अस्पताल में घुसा पानी। सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में घुसा पानी। पानी भरने से मरीजों को परेशानी। असम में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित। फसल बर्बाद। किसानों को भारी नुकसान। असम में बाढ़ से उत्तर गुवाहाटी में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। 11 लोगों की मौत। करीब 40,000 लोग प्रभावित।
चमोली के छिनका में हाईवे पर लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ, हाईवे बंद होने से तीर्थ यात्री परेशान। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, अगले 5 दिन तक मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद कोहराम, सड़कें जलमग्न हुई, तेज धार में फंसी कार, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, चारों तरफ पानी ही पानी, स्कूल आते वक्त शिक्षक की कार पानी में फंस गई। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, गुजरात के डांग से वाटरफॉल में बढ़ा पानी का बहाव। गुजरात के जूनागढ़ में विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हुआ, भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हुआ, लोगों के घरों में पानी घुसा। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद मुसीबत, कई जगहों पर घुटने तक पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बीच फंसे 3 पर्यटक, गांव वालों की मदद से लोगों को बचाया गया। गुजरात के मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी है, तापी में बरसात से जलमग्न हुए कई घर। गुजरात के कच्छ में बारिश के बाद हाहाकार मचा, जेसीबी की मदद से नदी पार करने के लिए मजबूर है लोग। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भरा, जगह जगह जल जमाव। गुजरात के मोरबी में खतरे के निशान पर पहुंचा जलस्तर, भारी बारिश के बाद 20 गांव अलर्ट पर। गुजरात के अरावली में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। गुजरात के अरावली में धनसुरा में झरने में बह गया युवक, युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद हालात खराब, वलसाड़ अंडरपास में पानी भर गया। महाराष्ट्र में 7 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की संभावना, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में लगातार बारिश ने बढ़ा दी है लोगों की मुसीबत, लगा काफी लंबा ट्रैफिक जाम। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में कई जिलों में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में बारिश बनी आफत, पालघर में तेज बारिश के बाद घर की दीवार गिरी। मुंबई के कांदिवली में दर्दनाक हादसा हो गया, बाथरूम की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। एमपी के कटनी में रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकी, रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी भरने का काम जारी, भारी बारिश की वजह से ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक गई। पहली बारिश में पटना में हाल बेहाल, पटना के कई इलाकों में जलभराव, कई इलाकों में घुटने तक पानी। बिहार के वैशाली में अस्पताल में घुसा पानी, सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पानी घुस गया, पानी भरने से मरीजों को परेशानी। असम में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए, फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। असम में बाढ़ से उत्तर गुवाहाटी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 11 लोगों की मौत, करीब 40,000 लोग प्रभावित। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद दरकने लगे पहाड़, गंगोत्री हाईवे पर लगा काफी लंबा जाम। चमोली के छिनका में हाईवे पर लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ, हाईवे बंद होने से तीर्थ यात्री परेशान। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश ने मचाया कोहराम, सड़कें हुई जलमग्न, तेज धार में फंसी कार, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, चारों तरफ पानी ही पानी, स्कूल आते वक्त शिक्षक की कार पानी में फंस गई। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, गुजरात के डांग से वाटरफॉल में बढ़ा पानी का बहाव। गुजरात के जूनागढ़ में विलिंगडन डैम हुआ ओवरफ्लो, भारी बारिश के बाद डैम हुआ ओवरफ्लो, लोगों के घरों में पानी घुस गया। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद मुसीबत, कई जगहों पर घुटने तक पानी भर गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बीच फंसे 3 पर्यटक, गांव वालों की मदद से लोगों को बचाया गया। कच्छ में बारिश के बाद हाहाकार, जेसीबी की मदद से नदी पार करने के लिए लोग मजबूर। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद हालात खराब हुए, वलसाड़ अंडरपास में पानी भर गया। सूरत के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भरा पानी, जगह जगह जल जमाव।
गुजरात के मोरबी में खतरे के निशान पर पहुंचा जलस्तर, भारी बारिश के बाद 20 गांव अलर्ट मोड पर। गुजरात के अरावली में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। अरावली में धनसुरा के झरने में बहा युवक, युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र में 7 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की संभावना, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में बारिश से हाल बेहाल, अंधेरी, सबवे बंद, पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश। मुंबई में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लगा लंबा ट्रैफिक जाम। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में कई जिलों में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में बारिश बनी आफत, पालघर में तेज बारिश से गिरी घर की दीवार। मुंबई के कांदीवली में दर्दनाक हादसा, बाथरूम की छत गिरने से एक शख्स की मौत। एमपी के कटनी में रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकी, रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी भरने का काम जारी, भारी बारिश की वजह से ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकी। पहली बारिश में पटना में हाल बेहाल, पटना के कई इलाकों में जलजमाव, कई इलाकों में घुटने तक पानी। बिहार के वैशाली में अस्पताल में घुसा पानी, सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में घुसा पानी, पानी भरने से मरीजों को परेशानी। असम में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित, फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। असम में बाढ़ से उत्तर गुवाहाटी में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, 11 लोगों की मौत, करीब 40,000 लोग प्रभावित। चमोली के छिनका में हाईवे पर लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ, हाईवे बंद होने से तीर्थ यात्री परेशान। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, अगले 5 दिन तक मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद कोहराम, सड़कें जलमग्न हुई, तेज धार में फंसी कार, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, चारों तरफ पानी ही पानी, स्कूल आते वक्त शिक्षक की कार पानी में फंस गई। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, गुजरात के डांग से वाटरफॉल में बढ़ा पानी का बहाव। गुजरात के जूनागढ़ में विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हुआ, भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हुआ, लोगों के घरों में पानी घुसा। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद मुसीबत, कई जगहों पर घुटने तक पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बीच फंसे 3 पर्यटक, गांव वालों की मदद से लोगों को बचाया गया। गुजरात के मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी है, तापी में बरसात से जल। TV9 भारतवर्ष, फिक्र आपकी, परवाह देश की। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एसोसिएट स्पॉन्सर मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका बिस्किट्स, मैजिक टेस्ट का, मैजिक क्रेमिका का। यूसीसी के खिलाफ सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, कहा शरीयत के हुक्म से ही चलेंगे मुसलमान, जो कुरान के बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहते वो छोड़ दे इस्लाम। आज 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर यूसीसी सम्मेलन। यूसीसी पर कांग्रेस में अलग अलग राय, हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी के समर्थन का किया ऐलान, सोनिया गांधी की बैठक में तय, ड्राफ्ट सामने आने पर ही पार्टी करेगी फैसला। दिल्ली के भजनपुरा में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, सड़क से हटाए गए मंदिर और मजार, PWD ने पहले ही दिया था नोटिस, सड़क चौड़ी करने के लिए कार्रवाई। गुजरात समेत देश के कई राज्यों में बारिश जारी, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, राजधानी लखनऊ समेत 22 जिलों में हो सकती है जोरदार बारिश। फ्रांस में 4 दिनों से जारी है हिंसा, लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं, अब तक 2400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार।
कुरान पाक की बताए हुए रास्ते में नहीं चलना है तो मेरी सलाह है कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चले जाए। यूसीसी तुम्हारे लिए ये अंतिम संस्कार का काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है उसकी महिलाएं इसे सपोर्ट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। जी हाँ, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं यूसीसी सम्मेलन, समान नागरिक संहिता जिसे लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में तमाम दल, तमाम धर्मों के धर्मगुरु अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़ रही है साध्वी रितंबरा, बहुत बहुत स्वागत है दीदी माँ आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अनुच्छेद 370 के खत्म होने, राम मंदिर निर्माण के बाद जो बीजेपी का तीसरा संकल्प था कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्या आपको लगता है कि वो घड़ी अब आ गई? निश्चित रूप से इस देश के अंदर इसकी जरूरत को बहुत वर्षों से महसूस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार में सभी सदस्यों के लिए एक समान अगर व्यवस्था नहीं होगी तो भेदभाव के लोग शिकार होंगे जी। और वैमनस्यता चित्त में रहेगी इसलिए। और दूसरी बात ये है कि जहां तक पक्ष और विपक्ष, आग्रह से हम इसका विरोध करें ये उचित नहीं है, क्योंकि एक दिशा है, एक विधान होना ही चाहिए और हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से ये एक सुंदर पहल है देश के लिए। बिल्कुल, ये सुंदर पहल आप बता रही हैं, लेकिन विरोध भी बड़े पैमाने पर साध्वी रितंबरा शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर आप शरिया लॉ नहीं मानते हैं, अगर आप कुरान के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो फिर आप किस बात के मुसलमान हैं, फिर तो आप इस्लाम से ही बेदखल हो जाएंगे। मतलब बात यहां तक चली गई है, वो इस अंदाज में बयान देते हुए नजर आए, तो विरोध का पैमाना क्या है इसका आप अंदाजा लगा सकती हैं? कैसे मुमकिन होगा यूसीसी लाना? जब तक सारा मसौदा सामने नहीं आ जाता, मुझे लगता है कि विरोध भी अनर्गल प्रलाप ही है। पहले आप विषय को समझे, उसके बाद पक्ष विपक्ष हो सकता है और इसके लिए सबको राजी होना होगा। जब सब सामने सब कुछ आ जाएगा, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर हम सब लोगों को, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। अगर आपको चुनना हो तो आप संविधान को चुनेंगे। संविधान ने स्वयं इस व्यवस्था को निश्चित किया था कि पूरे भारत के अंदर सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार होना चाहिए। तो उस दृष्टि से ये जो पहल हो रही है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हमारी अपनी धार्मिक धारणाओं की जो भावनाएं होती हैं वो व्यक्तिगत होती हैं, उसके लिए हम जीवन में उत्कर्ष करते हैं अपने धर्म के मार्ग पर चलकर, लेकिन एक पूरी व्यवस्था, पूरे देश की व्यवस्था, वो एक सामान्य रूप से सबके लिए एक सी होनी चाहिए। अब मैं इसीलिए बहुत कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि का जो कंटेंट है वो अभी सामने नहीं है। पहले ही पक्ष विपक्ष करना ये उचित नहीं है, इसलिए हर राजनीति नहीं होती है, उससे ऊपर कर भी विचार करना चाहिए, राष्ट्रहित का सर्वोपरि मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो यूसीसी का जिक्र होते ही लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं, जिस बात का जिक्र पीएम मोदी ने भी किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक रोटियां तो वर्षों से इसी तरह सेकी गई और बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान किया, समाजों का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, लेकिन कब तक राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे हम? पार्टियों से, दलों से, अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना चाहिए और फिर निष्पक्ष इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कभी तो भारत के अंदर हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि कोई एक विषय आया तो उस पर हम
बैठकर विचार करें, मंथन करें, और मंथन में से निश्चित रूप से पहले जहर ही निकलता है, लेकिन जहर को शमन करने वाले महाकाल महादेव कहलाते हैं, वो नीलकंठ बनकर उस जहर का पान करते हैं, लेकिन अंत गत्वा मंथन करना ही होगा, और इसके लिए अमृत की तलाश में ये सब जो क्रोध है ये एक विषैला प्रलाप है, इसके बाद प्राप्त होगा तो भारत को अमृत प्राप्त होगा, तो ये मंत्र है। तो सबको अपनी अपनी बात कहने का हक भी है, अधिकार भी है, लेकिन आग्रहों से ग्रसित व्यक्ति जब होता है ना तो वो सत्य देख नहीं पाता, वो आंखें बंद करके सब कुछ अपने मनोराज्य में ही घूमना चाहता है, इससे थोड़ा ऊपर उठ